Assalamualaikum, dear students. आज हमने chapter 7 my financial career chapter 7 की text को देखना है, detail में पढ़ना है कि writer bank से इस कदर irritated क्यों है, bank के साथ उसका experience कैसा रहा. chapter 7 की summary हम लोग पहले पढ़ चुके, अब चलते हैं उसके next paragraphs की तरफ. थर्ड पैराग्राफ की ये कुछ स्टार्ट की और एंड की लाइंस मैंने मेंशन की हैं. कैन आई सी यू, आई आस्क्ड अलोन. अब ये राइटर की लाइन है जो वो मैनेजर से कह रहा है कि क्या मैं आपसे तन्हाई में मिल सकता हूँ. मजीद उनके दरमियान क्या बात हुई उसको डिटेल में देखेंगे. देन एंड है आई न्यू what he was thinking and it made me worse. ये भी राइटर की लाइन है. राइटर कहता है मैं जान चुका था मैनेजर मेरे बारे में क्या सोच रहा है और यही चीज मुझे बदहवास कर रही थी. ये लाइंस मैंने इसीलिए मेंशन की ताकि आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि हमने कितना पढ़ा. अब देखते हैं कि इस थर्ड पैराग्राफ में राइटर और मैनेजर के दरमियान क्या हुआ. राइटर हैड अ मीटिंग विद मैनेजर. राइटर मैनेजर से मिला. मैनेजर के पास जाने के बाद राइटर ने उसे कहा कि वो उससे अकेले में मिलना चाहता है. मैनेजर ने सोचा मे बी कोई बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ही सीक्रेट बात हो. मैनेजर टुक हिम टू अ सेपरेट रूम. मैनेजर राइटर को लेके एक अलग थलग कमरे में चला गया. वहां जाके उसने रूम को लॉक किया और राइटर से कहा कि अब हम यहाँ सेफ हैं, जो भी बात करनी है कर लो. मैनेजर राइटर की बातों से, राइटर के अंदाज से यही समझा कि मैनेजर कि राइटर जरूर किसी किस्म का डिटेक्टिव है, कोई बहुत ही अहम सीक्रेट लेके आया है. मैनेजर कंसीडर्ड हिम अ डिटेक्टिव. मैनेजर ने उसे सराग रसा समझा, जासूस समझा. इट मेड हिम वर्स. राइटर कहता है मैं समझ चुका था कि मैनेजर के मेरे बारे में क्या व्यूज हैं, वो क्या सोच रहा है, लेकिन मेरा अपने ऊपर उस वक्त कंट्रोल नहीं था कि मैं कोई बात क्लियर करता या कुछ भी मैनेजर को समझाता. उल्टा ये एहसास कि मैनेजर उसे गलत समझ रहा है उसे मजीद बदहवास और परेशान कर रहा था. ये तो है थर्ड पैराग्राफ, राइटर और मैनेजर की मीटिंग. किस तरह मैनेजर ने राइटर को समझा और राइटर की क्या फीलिंग्स थी ये देखा. अब चल के देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ कि उसमें मैनेजर ने राइटर के साथ क्या किया. फोर्थ पैराग्राफ की लाइन से कहते हैं नो नॉट फ्रॉम पिंकर्टन्स. पिंकर्टन से नहीं हूँ. इससे पहले थर्ड पैराग्राफ में राइटर के बारे में मैनेजर का व्यू ये था कि शायद वो पिंकर्टन कंपनी से आया है, ये एक डिटेक्टिव कंपनी है. लेकिन फोर्थ पैराग्राफ के स्टार्ट में राइटर ने इस बात से इनकार कर दिया. अ बिग आयरन डोर stood open at the side of the private room. राइटर के इस इनकार के बाद राइटर और मैनेजर के दरमियान क्या बात हुई और किस तरह उनकी मीटिंग एंड हुई इसको देखते हैं. राइटर टोल्ड दैट ही जस्ट वांटेड टू ओपन एन अकाउंट. प्रीवियस पैराग्राफ में हमने देखा कि राइटर के मुताबिक मैनेजर का व्यू ये था कि मे बी ही इज फ्रॉम सम डिटेक्टिव कंपनी. लेकिन फोर्थ पैराग्राफ की स्टार्ट में ही राइटर ने इस बात से इनकार कर दिया. राइटर ने कहा नहीं, मैं किसी जासूस कंपनी से नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं एक अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ. अब भी राइटर का जो अंदाज था उससे मैनेजर ने उसके बारे में गलत तासुर लिया.
मैनेजर कंसीडर्ड हिम अ गाउल्ड। मैनेजर समझा कि हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा सरमायादार है या किसी नवाब का बेटा। उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है जिसे वो महफूज करना चाहता है। मैनेजर ने राइटर से सवाल किया कि कितनी दौलत है, कितनी रकम है जो तुम बैंक में महफूज रखना चाहते हो। राइटर ने जब उसे बताया कि इस वक्त वो $56 सेव करना चाहता है और नेक्स्ट वो मंथली $50 डिपॉजिट करवाएगा, तो मैनेजर इस बात पे बेहद गुस्सा हुआ। बट व्हेन मैनेजर न्यू अबाउट रियलिटी ही बिकेम हर्ट। मैनेजर को जैसे ही सच्चाई पता चली उसे बेहद गुस्सा आया, क्योंकि सिंपली एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए राइटर को कोई जरूरत नहीं थी मैनेजर से मिलने की। पर वो गया, मैनेजर से मिला और उसे तन्हाई में मिला, जिससे पहले मैनेजर ने ये व्यू लिया कि शायद वो कोई एक अहम सीक्रेट लेके आया है। लेकिन बाद में राइटर ने कहा कि वो कुछ रकम डिपॉजिट करवाना चाहता है, तो तब भी मैनेजर ने यही सोचा कि मुझसे मिलके जो शख्स अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, हो सकता है वो किसी नवाब या सरमायादार की औलाद है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। राइटर वॉज अ नॉर्मल पर्सन और एक छोटी सी रकम वो बैंक में महफूज करना चाहता था। उस छोटी सी रकम के लिए राइटर ने मैनेजर का इतना टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से मैनेजर हार्श हुआ, तल्ख हो गया। फोर्थ पैराग्राफ हमने देखा कि मैनेजर को अब रियलिटी पता चल चुकी है। फिफ्थ पैराग्राफ में देखेंगे कि नेक्स्ट राइटर ने कैसे अकाउंट ओपन कराया, कैसे मजीद उसने अपना प्रोसेस जारी रखा। Paragraph. Good morning, I said and stepped into the safe. Writer की line है, writer ने क्या blunder किया bank में, उसके बारे में उसने बताया। Writer ने manager को goodbye बोला और उसके बाद वो एक safe में enter हो गया। बजाय इसके कि बाहर के रास्ते की तरफ writer आता, वो safe में गलती से चला गया। इस तरह की कुछ और ब्लंडर्स, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स करने के बाद राइटर की कंडीशन बहुत अजीब थी। The bank swam before my eyes. राइटर कहता है, ऐसा लग रहा था कि बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। पॉइंट सीखते हैं कि किस तरह इस पैराग्राफ में राइटर ने क्या किया। राइटर मेड अ ब्लंडर एंड entered into a safe. Writer ने गलती की, वो बदहवास था, वो परेशान था और इसी परेशानी में उसने ये ख्याल नहीं किया कि दरवाजे में नहीं बल्कि एक सेफ के अंदर जा रहा है। Manager was harsh with him. Manager ने जब writer को ये blunder करते देखा तो वो मजीद उसके साथ harsh हो गया। इंतहाई तलख रवैये के साथ मैनेजर ने उसे बाहर का रास्ता बताया। राइटर कहता है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि किस तरह मैंने जाके अपना अकाउंट ओपन करवाया। राइटर डिपॉजिटेड हिज मनी। फिर राइटर ने अपनी जो वो रकम लेके गया था उसको डिपॉजिट करवाया, बट हिज कंडीशन वाज मिजरेबल। लेकिन उस वक्त जो राइटर की कंडीशन थी, जिस तरह के ब्लंडर्स वो कर चुका था, मैनेजर जैसे उसके साथ हार्श हुआ, उसके बाद राइटर खुद बहुत परेशान और बदहवास था। जी, फाइव पैराग्राफ हमने देख लिया, अब चलते हैं idioms की तरफ। जी, अब देखते हैं idioms। फर्स्ट idiom है टू द backbone। टू द backbone यानी मुकम्मल तौर पर। He is a liar to the backbone। सेकेंड idiom देखते हैं टू द letter। टू द letter यानी सेम हर्फ बा हर्फ।
यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर. देन है टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल का मतलब है पूरी ताकत से, पूरी कुव्वत से. We will fight tooth and nail to defend our country. Fourth idiom, with a grain of salt. With a grain of salt, यानी कुछ शक के साथ, शुबे के साथ. He is a liar. Take his story with a grain of salt. Fifth idiom देखते हैं, a black sheep, यानी एक बुरा शख्स. Everyone avoids him as he is a black sheep. जी, sixth idiom है a gala day. A gala day यानी एक खुशी का दिन, मुसारत का दिन. 14 अगस्त is a gala day for Pakistanis. Then है a jack of all trades. यानी हर फन मौला, हर फन में माहिर. He is jack of all trades, but master of none. Then a laughing stock. A laughing stock यानी हंसी का गोल गप्पा. This fat boy is a laughing stock in the class. Last idiom, a snake in the grass. A snake in the grass का मतलब है छुपा हुआ दुश्मन जो वाज़े तौर पर नजर ना आए. Beware of him, he is a snake in the grass. Hope so, idioms और chapter समझ में आ गया. All the best, Allah Hafiz.